हमारी आगे की एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 30। कलर द नंबर्स गिवन इन द टेबल एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी कि हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं और यहाँ पर हमें कलर्स दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ नेम लिखे गए हैं। वो नेम या फिर कुछ सम्स है, वो कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमें देखना होगा, और उसके ऊपर जो कलर लिखा होगा वो कलर हमें उस नंबर पर करना होगा। ये हमने आगे हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में देखा था, वैसा ही है। फर्स्ट रेड में कौन सा नंबर है? 699, यानी कि कैसा नंबर होगा? 699। तो यहाँ पर ऊपर नंबर में कहाँ पर 699 है वो हमें देखना होगा, और क्या करना होगा बाद में उसमें? बाद में उसमें हमें कौन सा कलर करना होगा? रेड कलर करना होगा। तो यहाँ पर कहाँ है 699 वो हमें ढूंढना है, और जहाँ पर भी हो वहाँ पर हमें रेड कलर करना होगा। नेक्स्ट क्या है? 977। क्या नंबर है? 977। तो यहाँ पर सारे बॉक्स है, उसमें 977 कहाँ पर है वो हमें ढूंढना होगा, और हमें वहाँ पर क्या करना होगा? रेड कलर उस बॉक्स में कर देना होगा। नेक्स्ट क्या है? 107। कौन सा नंबर है? 107। तो यहाँ पर हमें जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स में 107 कहाँ पर है वो हमें क्या करना होगा? ढूंढना होगा, और जहाँ पर भी 107 हो उसमें हमें कौन सा कलर करना है? उसमें हमें रेड कलर करना होगा। तो कहाँ पर है 107 वो हमें क्या करना है? ढूंढना है अच्छे से, ये सारे टेबल में हमें उसे ढूंढना होगा, और जहाँ पर भी हो वहाँ हमें अपने आप ही क्या करना है? कलर कर देना है। तो ये रहा 107, तो उसमें हमें रेड कलर कर देना होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 549। तो यहाँ पर जहाँ पर भी 549 हो वहाँ पर हमें रेड कलर कर देना होगा। जहाँ पर भी हो वहाँ आप लोग अपने आप ही कर लेना। वैसे ही हमें यहाँ पर सम्स की तरीके से भी दिए हुए हैं, तो वहाँ पर क्या दिया है? 50 + 4, तो कितना टोटल होगा? 54। तो यहाँ पर बॉक्स में जहाँ पर 54 हो वहाँ पर हमें रेड कलर करना होगा। नेक्स्ट है 1 + 70, ये वाला देखते हैं कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है वो। 70 + 100, यानी कि हम लोग क्या करेंगे? 1 + 70 + 100, और जो भी आंसर कौन सा आएगा? 1 + 0 + 0, 1 + 7 + 0 = 7, यहाँ पर कुछ नहीं है और 1 है तो 1, यानी कि 171 नंबर जहाँ पर भी होगा वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? रेड कलर करेंगे। वैसे ही ग्रीन कलर में हमें क्या क्या कहा गया है वो हम देखेंगे। सपोज ये वाला देखते हैं कौन सा है, 900 + 40 + 3, इसका टोटल होगा, और जो नंबर रिप्रेजेंट करेगा वो नंबर जहाँ पर भी हो ऊपर उसमें हमें कौन सा कलर करना है? ग्रीन कलर। तो ये कौन सा नंबर हुआ? 943। ये नंबर हुआ 943। तो अब हमें यहाँ पर जहाँ पर भी 943 हो वहाँ पर कौन सा कलर करना होगा? ग्रीन कलर करना होगा। तो वो आप लोग अपने आप ही ढूंढ लेना, और उसमें कौन सा कलर कर लेना? ग्रीन कलर। ये रहा, तो उसमें हमने क्या किया? ग्रीन कलर कर लिया। वैसे ही आप लोग ये सारे हैं उन सारों को ढूंढ कर अपने आप ही कर लेना। ये हमने पहले भी देखा हुआ है। येलो कलर, यहाँ पर क्या लिखा है? 60, यानी कि जहाँ पर 60 हो उस नंबर पर हमें क्या करना होगा? उस नंबर पर हमें येलो कलर करना होगा। तो आप लोग वो ढूंढ कर अपने आप ही कर लेना। वैसे ही बाद में कौन सा कलर है? ब्लू कलर।
यहाँ पर ये देखते हैं कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है, 800 प्लस 10 प्लस 5, यानी कि यहाँ आ जाएगा 5, ये 1 और ये 8, तो ये नंबर है 815। तो यहाँ पर नंबर्स में जहाँ पर भी 815 हो उसमें कौन सा कलर करना होगा हमें, येलो कलर। तो वो आप अपने आप ही ढूंढ कर लेना। यहाँ पर हमने ये एक्सरसाइज की हुई है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बहुत जल्दी में बता दिया कि यहाँ पर आपको क्या करना है, बाकी का आप लोग अपने आप ही कर लेना। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 31। ये भी हमारी वर्कबुक की एक्सरसाइज है। रन्स मेड बाय 10 इंडियन बैट्समैन इन वन डे सीरीज आर गिवन बिलो। राइट द आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इट। यानी कि हमें यहाँ पर 10 प्लेयर्स का स्कोर दिया हुआ है, उन्होंने वन डे मैच में कितना स्कोर किया वो हमें यहाँ पर दिया गया है। कौन से क्रिकेटर ने कितना स्कोर किया वो हमें यहाँ पर दिया है, तो वो हमें देखना होगा। और हमें क्या करना होगा, यहाँ पर नीचे जो भी ब्लैंक्स दी गई है उन ब्लैंक्स को हमें फिल करना होगा, यानी कि जो भी क्वेश्चन हमें पूछा जाए उस क्वेश्चन का हमें आंसर देना होगा। तो ये वाली एक्सरसाइज भी हमने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में की हुई है। तो यहाँ पर कौन कौन से प्लेयर है, युवराज, उसने कितने रन किए, 128। नेक्स्ट कौन सा क्रिकेटर है, हार्दिक ने कितने रन किए, 100। नेक्स्ट है धवन, तो धवन ने कितने रन किए, 99। नेक्स्ट है सचिन, तो सचिन का स्कोर क्या है, यानी कि रन्स कितने हैं, 162। नेक्स्ट कौन है, सौरव का कितना स्कोर है, उसका भी स्कोर है 162, यानी कि इन दोनों का स्कोर कैसा है, सेम स्कोर है। नेक्स्ट है सहवाग, तो सहवाग का क्या स्कोर है, 178। रोहित का क्या स्कोर है, 105। राहुल का स्कोर है 141। सुरेश का स्कोर है 112। और जो विराट कोहली है उनका स्कोर कितना है, 127। यानी कि ये हमें वनडे मैच का स्कोर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके हमें आंसर देने होंगे। फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, हु स्कोर द हाईएस्ट रन, हाउ मैनी, यानी कि इन सभी क्रिकेटर में से कौन सा क्रिकेटर ऐसा है जिनका स्कोर सबसे ज़्यादा है और कितना है वो हमें लिखना है। तो किसका सबसे ज़्यादा है, सहवाग, तो यहाँ पर उनका नेम लिखना होगा और यहाँ पर उनका क्या स्कोर है, यानी कि 178 लिखना होगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, हु स्कोर द लोवेस्ट रन्स, हाउ मैनी, यानी कि यहाँ पर सभी क्रिकेटर्स में से सबसे कम स्कोर किस क्रिकेटर का है और कितना है वो हमें लिखना होगा। लोवेस्ट रन किसने किया उनका नेम यहाँ पर लिखना होगा और कितने स्कोर किए वो हमें यहाँ पर लिखने होंगे। तो किसका स्कोर सबसे कम है, धवन का, कितना है, 99। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, वो मिस द सेंचुरी बाय हाउ मैनी रन्स, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है धवन का स्कोर है 99। सेंचुरी यानी कि 100, यानी कि धवन ने एक रन अगर ज़्यादा कर लिया होता तो उसकी सेंचुरी कंप्लीट हो जाती, यानी कि धवन ने सेंचुरी मिस की बाय 1 रन, यानी कि ओनली 1 रन से उसने सेंचुरी लॉस की, यानी कि उसका स्कोर है 99, लेकिन उसमें एक रन कम है इसके कारण उसकी सेंचुरी नहीं हो पाई। विच टू प्लेयर स्कोर्ड इक्वल रन, हाउ मैनी, यानी कि कौन से दो प्लेयर ऐसे हैं जिनका स्कोर सेम है और उनका स्कोर क्या है वो हमें लिखना होगा। तो यहाँ पर दिख रहा है सचिन एंड सौरव,
उन दोनों का स्कोर सेम है। और कितना स्कोर है? 162। वो हमें यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? फू क्रॉस ओनली वन सेंचुरी, यानी कि यहाँ पर वू स्कोर्ड ओनली वन सेंचुरी, यानी कि यहाँ पर कौन सा क्रिकेटर ऐसा है कि जिसका स्कोर वन सेंचुरी है, सेंचुरी से ज़्यादा भी नहीं है, सेंचुरी से कम भी नहीं है। तो ऐसा कौन सा क्रिकेटर है? वो है हार्दिक, यानी कि उसका स्कोर तो हमें पता ही है, सेंचुरी यानी कि कितने हो गए? 100 रन्स। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? हाउ मैनी प्लेयर्स स्कोर्ड रन्स मोर देन 150, यानी कि यहाँ पर सारे प्लेयर्स हैं, उन सभी में ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जिनका स्कोर 150 से ज़्यादा है? तो यहाँ पर सचिन है, सहवाग, सचिन, सौरव, सहवाग, 3, यानी कि इन दोनों का स्कोर है 162 और इनका स्कोर जो सहवाग है उनका स्कोर है 178, यानी कि 3 ऐसे प्लेयर है जिनके रन 150 यानी कि 150 से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द रन्स ऑफ विच टू प्लेयर्स इज ओनली 1 रन, यानी कि हमें यहाँ पर सारे प्लेयर्स के स्कोर दिए गए हैं, उन प्लेयर्स के स्कोर में ऐसे कौन से दो प्लेयर हैं जिन दोनों के स्कोर में ओनली 1 रन का डिफरेंट है? तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हार्दिक ने की है सेंचुरी यानी कि 100 रन और धवन के है 99 रन। तो सेंचुरी में धवन के कितने रन बाकी रहे? ओनली 1, और उनकी ये जो हार्दिक है उनकी क्या है? सेंचुरी, यानी कि इन दोनों के स्कोर में, हार्दिक एंड धवन के स्कोर में ओनली 1 रन का डिफरेंट है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? बाय हाउ मैनी रन्स डिड सहवाग मिस द डबल सेंचुरी, यहाँ पर सहवाग का स्कोर देखना होगा, डबल सेंचुरी यानी कि कितना स्कोर? 100 प्लस 100 यानी कि स्कोर होगा 200। और यहाँ पर सहवाग ने कितना स्कोर किया है? 178, यानी कि 200 माइनस 178, और जो आंसर आए उतना स्कोर अगर सहवाग ने ज़्यादा किया होता तो उनकी 2 सेंचुरी कंप्लीट हो जाती, यानी कि यहाँ पर 0 है वो कैंसल आउट होकर यहाँ पर आएगा 10, ये 0 कैंसल आउट होकर यहाँ पर आएगा 9, ये 2 कैंसल आउट होकर यहाँ पर आएगा 1, 10 माइनस 8 आएगा 2, 9 माइनस 7 आएगा 2, 1 माइनस 1 0, यानी कि 22, यानी कि अगर सहवाग ने 22 रन ज़्यादा किए होते, यानी कि 22 रन मिस ना किए होते तो उनकी 2 सेंचुरी कंप्लीट हो जाती। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी रन डिड रोहित नीड टू कंप्लीट 150 रन्स, यानी कि हमें देखना होगा कि रोहित का स्कोर क्या है? 105, और हमें यहाँ पर क्या स्कोर किया कहा है? 150, यानी कि अगर ये रोहित है उसे कितने रन ज़्यादा किए होते तो उनका स्कोर 150 होता, वो देखने के लिए हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा, यहाँ पर आएगा 105, ये 0 है कैंसल आउट होकर यहाँ पर आ जाएगा 10, ये 5 है वो कैंसल आउट होगा और यहाँ पर आ जाएगा 4, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 0 4 और ये 0, 1 माइनस 1 0, यानी कि 45, यानी कि रोहित ने अगर 45 रन ज़्यादा किए होते तो उनके रन 150 हो जाते। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? हाउ मैनी मोर रन डिड सहवाग स्कोर कंपेयर्ड टू राहुल, यानी कि सहवाग है
उनको राहुल को कंपेयर करने के लिए कितना स्कोर चाहिए, हाउ मेनी मोर रन्स डिड सहवाग स्कोर कंपेयर टू राहुल। यानी कि हमें यहाँ पर सहवाग का और राहुल का स्कोर देखना होगा। यहाँ पर कौन कौन से नेम है, सहवाग, एंड दूसरा कौन सा नेम है, यहाँ पर है सहवाग का नेम एंड राहुल का नेम। सहवाग का स्कोर हमें पता है 178 और राहुल का स्कोर पता है 141। उसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। 8 - 1 क्या होगा 7, 7 - 4 क्या होगा 3, 1 - 1 0। यानी कि सहवाग का स्कोर 37 रन ज़्यादा है और जो राहुल है उसका स्कोर 37 रन कम है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेस रन डीड धवन स्कोर कंपेयर टू विराट। यानी कि धवन का स्कोर और विराट के स्कोर में कितना डिफरेंट है, यानी कि धवन का जो स्कोर है वो विराट के स्कोर से कितना कम है। यानी कि 127 - 99 और जो आंसर आएगा वो होगा कि धवन ने इतने लेस स्कोर किया है, यानी कि उतने स्कोर ज़्यादा होते तो उन दोनों का स्कोर सेम होता। यहाँ पर 7 है वो कैंसल आउट होगा और यहाँ पर आ जाएगा 16, ये 2 है कैंसल आउट होकर यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 1 और ये कैंसल आउट होकर यहाँ पर आ जाएगा 0। 16 - 9 कितने बचे 7, 11 - 9 कितने बचे 2, यानी कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा 27। यानी कि धवन ने विराट को कंपेयर करने के लिए, यानी कि इन दोनों को कंपेयर करना हो तो धवन के 27 रन ज़्यादा होने चाहिए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर बाय सुरेश एंड सचिन। यानी कि यहाँ पर सचिन जी और सुरेश दोनों के रन को कंपेयर करने के लिए उन दोनों में कितनी कंपेरिजन करें तो कितने रन की फासला है, यानी कि कितने रन कम है। यानी कि 162 - 112 जो आंसर आएगा उन दोनों के बीच में उतने दूरी का, यानी कि उतने रन का डिस्टेंस यानी कि अंतर होगा। 2 - 2 0, 6 - 1 5 यहाँ पर आ जाएगा 0। यानी कि क्या आंसर हुआ यहाँ पर, 50 रन्स, यानी कि हाफ सेंचुरी। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 32, एक्सपांड द नंबर एज पर एग्जांपल। यानी कि हमें यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जितने भी नंबर दिए गए हैं उन नंबर को एक्सपांड करके यहाँ पर जैसे उन लोगों ने लिखा है वैसे हमें लिखना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर कौन सा है, 257, कौन सा नंबर है ये 257, यानी कि कितने हंड्रेड है 200, यानी कि 100 + 100 + 57, यानी कि 50, टेंस कितने हैं 5 है, यानी कि प्लस टेन 5 × 10 लिखना होगा। 1, 2, 3, 4 + 5, ये 5 × 10 हमने लिख दिया। प्लस क्या लिखना होगा, कौन सा नंबर है वंस के प्लेस पर 7, तो ये हमने नंबर को एक्सपांड कर दिया और एक्सपांड करने के बाद हमें नंबर्स को इस फॉर्म में लिखना है। कैसे, ये वाला फॉर्म, ये बड़ा ड्रॉ किया उसमें लिखना होगा 100, उसे थोड़ा सा छोटा ड्रॉ करके उसमें लिखना होगा नंबर 10 और सर्कल ड्रॉ करके उसमें लिखना होगा नंबर 1। यानी कि यहाँ पर मैंने पहले से दिखाई दिया है, यानी कि पहले से किया हुआ है कि 100 वाले 2 ड्रॉ करो, क्यों, क्योंकि 100 के प्लेस पर है 2। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टेंस का प्लेस, तो टेंस का प्लेस पर कौन सा नंबर है 5 नंबर है, तो ऐसे हमने 5 ड्रॉ किए। और जो वंस का प्लेस है उसमें कौन सा नंबर है
सेवन नंबर, तो यहाँ पर सर्कल कितने किए हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हमने नंबर को एक्सपांड कर दिया। वैसे ही सेकंड तो मैंने कंप्लीट करके दिया हुआ है, तो अब हम देखते हैं थर्ड वाला, उसमें कौन सा नंबर है, 149। कौन सा नंबर है, 149 इज इक्वल टू 100 के प्लेस पर क्या है, ये वाला कौन सा प्लेस है, 100 का प्लेस, जो फर्स्ट है वो है 100 का प्लेस, तो 100 के प्लेस पर क्या है, 1, यानी कि क्या आएगा, 100 प्लस ये वाला जो स्पेस है, प्लेस है, वो कौन सा प्लेस है, टेंस का प्लेस, ये वाला जो प्लेस है वो है 10 का प्लेस, तो 10 के प्लेस पर क्या है, 4 है, तो हमें 4 times 10 लिखने होंगे, 1 times 2 times 3 times और ये हो गया 4 times 10 प्लस वंस के प्लेस पर कौन सा नंबर है, 9, तो यहाँ पर लिखना होगा प्लस 9 और बाद में हमें ऐसे रिप्रेजेंट उसे करना होगा, तो ये हो गया बड़ा वाला 100 का। नेक्स्ट कितने हैं, 4 times 10 के, 1, 2, 3, 4 यानी कि ये हुए 10 के और वंस के प्लेस पर है 9 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 उन सभी में 1 लिख देना होगा, तो ये हो गया हमारा एक्सपांड करके 149। अब हम देखते हैं 4 नंबर पर कौन सा नंबर दिया गया है, 234। कौन सा नंबर है, 234, 200, 100 के प्लेस पर क्या है, 200, 100 के प्लेस पर है 2, यानी कि 100 वाले कितने, 2, ये हो गया 200 प्लस 10 के प्लेस पर कौन सा नंबर है, नंबर है 3, यानी कि 10 वाले कितने, 3, यानी कि प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1 के प्लेस पर कौन सा नंबर है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 4। तो अब हम कैसे लिखेंगे, बड़े वाले कितने बनाएंगे हम लोग, 2 बनाएंगे, क्यों, 100 वाले 2 है, ये 10 वाले कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पर और छोटे छोटे 10 वाले 3 बनाएंगे और कितने सर्कल बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 यानी कि 100 plus 100 plus 10 plus 10 plus 10 1, 1, 1, 1 अगर हम लोग इसका टोटल करेंगे तो क्या टोटल होगा, वो भी हम लोग देखते हैं, ये कितने हैं 100 प्लस उसके बाद ये कितने हैं 100 प्लस उसके बाद ये कितने हैं 10 उसके बाद ये कितने हैं 10 प्लस कितने हैं ये 10 प्लस ये कितने हैं 1, 2, 3, 4, 4 तो इसका टोटल करेंगे तो जो हमें नंबर मिलेगा वो यही नंबर होगा। तो चलो देखते हैं, 4, 1 plus 1, 2 plus 1, 3 1 plus 1, 2 तो हुआ ना ये नंबर 234। ये हमने इसे एक्सपांड करके लिखा। वैसे ही अब हम देखते हैं 7 नंबर वाला नंबर, यहाँ पर कौन सा नंबर है 308, कौन सा नंबर है 308 यानी कि यहाँ पर 100 के प्लेस पर कौन सा नंबर है 3 नंबर है, यानी कि 100 कितनी टाइम हमें लिखना होगा, 3 टाइम लिखना होगा, यानी कि 100 plus 100 plus 100 यहाँ पर टेंस के प्लेस पर क्या है 0 है, यानी कि हमें यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, और वंस के प्लेस पर क्या है 8 है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 8। अब हम क्या करेंगे, ऐसा वाला रिप्रेजेंट कर लेंगे, 100 वाले कितने हैं 1, 2, 3 तो ऐसे 3 बड़े वाले ड्रॉ करेंगे और सर्कल कितने ड्रॉ करेंगे 8, 1, 2,
1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितने वाले हो गए, कौन से नंबर वाले? 100 100 100, यानी कि 100 प्लस 100 प्लस 100, यानी कि 300 300। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया नंबर हमारा 308। तो अब हम देखते हैं 11 नंबर वाला, यहाँ पर कौन सा नंबर दिया गया है? 400। कौन सा नंबर दिया गया है? 400। यहाँ पर 100 के प्लेस पर क्या है? 4 है, यानी कि 100 हमें कितनी बार लिखना होगा? 4 टाइम इज इक्वल टू 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तो ये हो गया 100 4 टाइम। प्लस यहाँ पर 10 के प्लेस पर क्या है? कुछ नहीं है, तो 0। वंस के प्लेस पर भी कुछ नहीं है, तो 0 लिखेंगे, या फिर हम लोग कुछ भी नहीं लिखे तो भी चलेगा। अब हम क्या करेंगे, ऐसे उसे रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर ये एक है, उसमें क्या नंबर लिखेंगे? 100 100 100 100, तो इसका टोटल करके हमें कौन सा नंबर मिलेगा? 400। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल करवाए, और दूसरे जितने भी बाकी हो वो आप लोग अपने आप ही कर लेना। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी नंबर हमें दिया है उसे हमें एक्सपांड करना है। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 33। वो एम आई आइडेंटिफाई एंड मैच, यानी कि यहाँ पर हमें कुछ बड़े बड़े शब्दों में लिखकर दिया गया है, वो कौन सा नंबर है वो हमें ढूंढना है और उसे मैच करना होगा। फर्स्ट कौन सा नंबर है, फर्स्ट क्या लिखा है? आई एम फ्रॉम बाय एडिंग 6 इन 40, यानी कि मैं ऐसा नंबर हूँ जो 40 में 6 ऐड करके बनता हूँ, यानी कि 40 प्लस कौन सा नंबर? प्लस 6। तो कौन सा नंबर बना है हमारा? 46, यानी कि यहाँ पर 46 जहाँ पर हो उसके साथ हमें उसे क्या करना होगा? मैच कर देना होगा। ये रहा 46, उसके साथ हमें मैच करना होगा। नेक्स्ट क्या है? आई एम फ्रॉम बाय सब ट्रैकिंग 1 फ्रॉम 90, यानी कि हमें 90 माइनस 1 हूँ, यानी कि इसका जो आंसर बने वो मैं हूँ, यानी कि यहाँ पर 0 है वो आ जाएगा यहाँ पर 10, ये 9 है यहाँ पर आ जाएगा 8, 10 माइनस 1 9, और यहाँ आएगा 8, यानी कि यहाँ पर कहा गया है वो नंबर कौन सा है? 89, तो यहाँ पर 89 ये रहा, तो उसके साथ हमें मैच कर देना होगा। नेक्स्ट क्या है? एडिंग फॉर इन मी आई स्कोर अ सेंचुरी, यानी कि यहाँ पर एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर हम लोग 4 ऐड करेंगे तो सेंचुरी कंप्लीट होगी। हमें पता है सेंचुरी यानी कि 100। यहाँ पर कहा गया है कि मैं ऐसा नंबर हूँ जिसमें 4 ऐड करे तो सेंचुरी होगी, लेकिन हमें ऐसा नंबर तो पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? 100 माइनस 4, यहाँ पर 0 है कैंसल आउट होकर आ जाएगा 10, ये कैंसल आउट होगा यहाँ पर आएगा 9, ये कैंसल आउट होकर यहाँ पर आएगा 0। 10 माइनस 4 क्या हुआ? 6, 9 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि हमें कौन सा नंबर मिला? 96, यानी कि यहाँ पर जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग वो नंबर कौन सा है? 96। अगर हम लोग 96 में 4 ऐड करें तो हमारी सेंचुरी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्या है? आई एम इक्वल टू 10 नॉट्स ऑफ 10, यानी कि मैं 10 नॉट की 10 हूँ, यानी कि 10s की 10 नॉट हूँ, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हमें पता है क्या आंसर आएगा? 100, यानी कि ये कौन सा नंबर है? ये नंबर है 100। नेक्स्ट क्या है? आई एम सेंचुरी प्लस
हाफ सेंचुरी, हमें पता है सेंचुरी यानी कि 100 प्लस हाफ सेंचुरी यानी कि 50, इसका टोटल क्या होगा 150, यानी कि यहाँ पर कहा गया है वो नंबर कौन सा है 150। नेक्स्ट क्या है, आई एम फ्रॉम बाय सबट्रैकिंग 10 फ्रॉम 97, यानी कि मैं ऐसा नंबर हूँ जिसमें 97 माइनस 10 करके मैं नंबर बनूँगा, यानी कि 97 माइनस 10 करके हमें जो भी नंबर मिलेगा वो यहाँ पर कहा गया है उसके अकॉर्डिंग नंबर होगा। 7 माइनस 0 7, 9 माइनस 1 8, यानी कि ये कौन सा नंबर है 87। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, आई एम द ग्रेटेस्ट 2-डिजिट नंबर, हमें पता है 2-डिजिट के नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है 99, कौन सा है 99, तो यहाँ पर 99 कहाँ है उसके साथ हमें मैच करना होगा, तो यहाँ रहा 99, तो उसके साथ हमें मैच करना होगा। नेक्स्ट क्या है, आई हैव 5 इन माई 100s 10 एंड 1s प्लेस, यानी कि ये ऐसा नंबर है जिसके 100 के प्लेस पर क्या है 5, 10s के प्लेस पर क्या है 5, 1s के प्लेस पर क्या है 5, तो ये बन गया हमारा नंबर, तो ये कौन सा नंबर बना 555, तो ये रहा 555, तो हम लोग उसे उसके साथ मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, आई एम द ग्रेटेस्ट 3-डिजिट नंबर, यानी कि मैं 3-डिजिट नंबर का सबसे बड़ा नंबर हूँ, 3-डिजिट नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 999, तो वो यहाँ पर कहाँ है, ये रहा डी पर, तो उसके साथ हमें मैच करना होगा। नेक्स्ट क्या है, माई वंस एंड 100s डिजिट इज 7, यानी कि इसका जो वंस का प्लेस है उस पर है 7 और जो 100 का प्लेस है उस पर भी है 7, बीच में 10s के प्लेस पर कुछ नहीं है यानी कि 0, यानी कि ये कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 707, तो यहाँ पर राइट साइड पर 707 कहाँ पर है, ये रहा, तो उसके साथ हमें मैच करना होगा, तो ये हमारा हु एम आई कंप्लीट होता है। तो अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, अ जॉकर हैज 3 बलून्स विथ 5, 7, 9 रिटर्न ऑन इट, यानी कि जॉकर के पास 3 बलून हैं, उन 3 बलून के ऊपर कुछ नंबर लिखे गए हैं, वो कौन कौन से नंबर हैं, 5 नंबर है, 7 नंबर है एंड 9 नंबर है, राइट ऑन इट ऑप्टेन वेरियस 3-डिजिट नंबर बाय डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ दीज बलून एंड डू एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी कि यहाँ पर हमें जो कहा गया हो वो हमें लिखना होगा, यानी कि हमें यहाँ पर पहले 3-डिजिट्स वाले नंबर निकालने होंगे कि 3-डिजिट्स वाले कितने नंबर्स ऑप्टेन होते हैं, ये लिखा है नंबर्स ऑप्टेन, हमारे पास बलून पर कौन सा नंबर है 5, 7, 9, तो ये एक नंबर बनता है। बाद में क्या करते हैं हम लोग 10s और 1s की प्लेस चेंज करते हैं और लिखते हैं, यानी कि 5, 9, 7, यानी कि ये दो नंबर हमने लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग जो 100 की प्लेस है उसे चेंज करेंगे और जो 100 के प्लेस पर था यहाँ पर है उसमें जो 100 की प्लेस है उसमें 7 लिखेंगे और जो 1s के जो 100 की प्लेस पर है उस पर हम लोग 7 लिखेंगे और जो 10s के प्लेस पर है उस पर हम 5 लिखेंगे। यानी कि क्या करना है हमें, यहाँ पर हमने पहले क्या नंबर बनाया 5, 7, 9, 5, 9, 7, अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग इसे इस नंबर को हम लोग 100 के प्लेस पर रखते हैं और नंबर बनाते हैं 7, 5, 9। अब हम लोग 10s और 1s की प्लेस चेंज करेंगे तो क्या नंबर बनेगा 7, 9, 5,
तो ये दो नंबर बन गए हमारे। अब क्या करते हैं हम लोग 9 है उसको 100 की प्लेस पर रखते हैं, यानी कि कौन सा नंबर बनेगा 957। अब हम लोग टेंस और वंस की प्लेस चेंज कर लेते हैं तो कौन सा नंबर बनेगा 975। यानी कि यहाँ पर हमें जो नंबर दिया गया है 579 उससे हम लोग इतने नंबर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम द नंबर ऑफ 10। यानी कि हमें यहाँ पर जो नंबर्स मिले ये सारे, उन सभी नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये रहा, कौन सा नंबर है 975। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द नंबर्स ऑफ 10। यानी कि हमें यहाँ पर नंबर्स मिले, उन नंबर्स में सबसे छोटा सा नंबर कौन सा है, तो वो है ये वाला, कौन सा है 579। तो ये हुए ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट क्या है, राइट द ऑब्टेन नंबर इन एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर यानी कि कैसा ऑर्डर, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा, जो सबसे बड़ा होगा वो लास्ट में आएगा। यानी कि यहाँ पर जो सबसे छोटा है वो कौन सा है 579, उसे थोड़ा सा बड़ा कौन सा नंबर है, ये वाला 597, उससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा नंबर है 759, उसे थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है 795, उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है 957, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 975। तो ये कैसा ऑर्डर हुआ, एसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्या कहा है, राइट द ऑब्टेन नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा और जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये रहा 975, उसे थोड़ा सा छोटा नंबर कौन सा है 957, उसे थोड़ा सा छोटा नंबर कौन सा है 795, उसे थोड़ा सा छोटा नंबर कौन सा है 759, उसे थोड़ा सा छोटा नंबर कौन सा बनेगा हमारा 597, और सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा 579। तो ये हो गया एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 34 ख़त्म होती है। थैंक यू एवरीवन।